हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नायरा ब्यूटी डायरी। एंड आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और आज मैं जो रिव्यू लेके आई हूँ वो एक सनस्क्रीन का है। बट रिव्यू करने के पहले मैं आप सभी को एक एडवाइस देना चाहूँगी, या फिर आप हमारी रिक्वेस्ट समझ लें। जैसा कि हमारे पीएम ने कहा है कि अभी बहुत ही तेजी से कोरोना वायरस अभी फैल रहा है, और यू नो आप सभी को ऐसा ही कहा जा रहा है, एडवाइस दिया जा रहा है, आपसे प्रार्थना की जा रही है कि आप अपने घर पे रहें ताकि सेफ रहें। क्योंकि अगर कोई हमारे देश का राजा अगर बोल रहा है, पीएम हमारे बोल रहे हैं कि आपको घर पे रहना है, इट्स मीन कि हमारे भारत देश पे बहुत बड़ी संकट आ चुकी है। तो अगर आप हम पब्लिक मिलकर अगर पीएम की हेल्प नहीं करेंगे, या फिर हम खुद अपनी हेल्प नहीं करेंगे, हमारी सरकार कुछ नहीं कर पाएगी अकेले। तो आप सभी से प्रार्थना है कि आप घर पे रहें, सेफ रहें, और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। क्योंकि आप सभी जानते होंगे कि जब आप काम करने जाते हो या अपने वर्क पे होते हो, तो हमें इतना टाइम नहीं मिल पाता है दोस्तों कि हम सभी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकें। तो एक हमारे पास एक मौका है कि आप सभी मिलकर फैमिली के साथ मिलें, घर पे ही वीडियो कॉलिंग कर लें। अगर आप सिर्फ फैमिली से बात नहीं हो रही है, बट घर से बाहर ना निकलें और हमारे और अपने आप को और सरकार की सहायता करें, जिससे कि आप सेफ रहें। क्योंकि अगर आप घर पे रहोगे तभी एक कारण है कि आप कोरोना वायरस से अपने आप को बचाव कर सकते हो। हर आधे घंटे पे या एक घंटे पे अपने हैंड को अच्छे से वॉश करते रहें ताकि आप सेफ रहें। क्योंकि आप सेफ रहेंगे तभी आपकी फैमिली हैप्पी रहेगी। यू नो आप सभी जानते होंगे कि अगर किसी एक फैमिली मेम्बर के साथ कुछ भी अगर कुछ भी हो जाए, यू नो आप समझ सकते हो, तो बहुत बड़ी मुश्किल आ जाती है। तो अभी आपके साथ यही होना चाहिए कि आप पूरी फैमिली घर पे रहें, सेफ रहें, हेल्दी रहें, अच्छा खाना खाएं और खूब सारा पानी पिए। तो आइए आप अभी मैं जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रही थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो यू कैन सी हियर दिस वन, दिस इज एपिसॉफ्ट मॉइस्चराइजर विद माइक्रो कैप्सुलेटेड सनस्क्रीन। यू नो आप यहाँ पे देख सकते हो SPF 30 यहाँ पे है, और इसमें नन कोमेडोजेनिक है, लाइट वेट प्रोफाइल है, पैराबेन फ्री प्रोडक्ट है। तो आप सेफ हो, आपकी स्किन के साथ कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है, और साथ ही ये डर्मोलॉजिकल टेस्टेड भी है। क्योंकि ये मेरे डर्मोलॉजिस्ट ने ये मुझे रेकमेंड किया था, और ये ऑलमोस्ट मैं आई थिंक 2 ईयर्स से यूज कर रही हूँ, और मैं इसका रीपर्चेस करते रहती हूँ। इसका रिव्यू मैंने पहले अपने चैनल पर ऑलरेडी कर रखा है। इसका रिव्यू मैं दोबारा लाने का यही कारण है कि आपको बता सकूं कि कोई भी प्रोडक्ट मैं ऐसे ही रिव्यू के लिए आपको रिव्यू देने के लिए आपके साथ नहीं शेयर करती हूँ। मैं खुद यूज करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, और मुझे पर्सनली ये मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है। मैं ऑलरेडी इसे बहुत दिनों से यूज कर रही हूँ, और दोबारा इसलिए लेके आई हूँ ताकि आप सभी को विश्वास हो सके कि मैं कोई फेक प्रोडक्ट या फिर रिव्यू के लिए, या फिर मेरा कोई वीडियो स्पॉन्सर नहीं होता है, इसके लिए रिव्यू नहीं करती हूँ। तो अभी आइए बात कर लेते हैं इसकी आउटर पैकेजिंग की। दिस इज हाउ द पैकेजिंग लुक्स लाइक, यू कैन सी हियर। बहुत सिंपल सी कार्डबोर्ड की पैकेजिंग की गई है। सो कार्डबोर्ड की पैकेजिंग है सिंपल सी, और यहाँ पे बाकी के डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशन मिल जाएंगे, और बाकी के यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ यूज है ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। बट मैं ये सारा मेंशन नहीं करूँगी, क्योंकि अगर मैं सारा मेंशन करने को बैठ गई तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो इसका जो मेन ये काम कैसे करता है, इसका जो प्राइस है वो मैं आपके साथ पहले शेयर कर लूँ। गाइज इसका जो प्राइस है आई थिंक ये 500 के आसपास है, या 495 इसका प्राइस है। और इसका जो सेल्फ लाइफ है वो है 3 ईयर्स, विच इज वेरी वेरी गुड। क्योंकि 3 ईयर्स तो ऑलमोस्ट ये चलने नहीं वाले, बट फिर भी अगर आप रेगुलर यूज करते हो 1%, तो आपके एक 6 मंथ तक आप इसे यूज कर सकते हो। और इसका जो मुझे ये वेस्ट पार्ट लगता है वो एक है कि वो फ्रेग्रेंस फ्री है। सो आपको कोई भी इसमें फ्रेग्रेंस नहीं यूज की गई है, ताकि आपके स्किन के लिए अच्छा नहीं हो। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये डर्मोलॉजिकली टेस्टेड है, सो यू कैन ट्राई, एंड आपको बिल्कुल भी रिग्रेट महसूस नहीं होगा। सो आइए और डिटेल्स में इसके बारे में बात कर लेते हैं। सो यस, यू कैन सी द अंडर पैकेजिंग, आप देख सकते हो अंदर की पैकेजिंग। क्योंकि मैं ज़्यादातर आउटर पैकेजिंग के बारे में बात नहीं करती हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट नहीं है। और अंदर की पैकेजिंग देख सकते हो, एक ट्यूब सिस्टम है यहाँ से, जब यहाँ से आप ओपन करते हो यू कैन सी हियर। सो आपका जो प्रोडक्ट है कुछ इस तरीके से बाहर आ चुका है, और ये मेरे डेस्क पर अभी कुछ गिर भी चुका है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं अभी थोड़ा इसे रेस्ट नहीं जाने दूंगी, मैं अपने हाथों पर अप्लाई कर लूंगी। एंड इसका जो
बाकी का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा. डायरेक्शन फॉर यूज, अप्लाई ओवर फेसियल एरिया, अवॉइडिंग कॉन्टेक्ट विद आई, यूज एटलीस्ट 15 मिनट बिफोर सन एक्सपोजर एंड ऑफन एज नीडेड. इट्स मीन कि अगर आप बाहर धूप में जाते हो तो उसके 15 मिनट पहले ये आप अपने स्किन पे अप्लाई कर लें, ताकि ये आपके स्किन पे अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और आपका स्किन है जो धूप में जाने के लिए रेडी रहे, और आपका जो कोई भी है वो टैन या फिर कोई भी साइड इफेक्ट जो धूप से होते हैं वो आपको नहीं होगा. यहाँ पे लिखा गया इन केस ऑफ कॉन्टेक्ट विद आईज रिंस इमिडिएटली. इट्स मीन अगर आपके आंखों में ये चली जाती है तो आप इसे इमिडिएटली, आप इसे अगर कोई किसी भी तरह का इरिटेशन होता है तो आप इसे वॉश कर लें. एंड बाकी के डिटेल्स आपको यहाँ मिल जाएंगे. यहाँ पे फ्रेग्रेंस फ्री है, मैं दोबारा आपको मेंशन करूंगी. डर्मोलॉजिकल टेस्टेड है, और जैसा कि मैंने बताया ये मेरे डर्मोलॉजिस्ट ने ये मुझे रेकमेंड किया था, तभी से मैं इसे यूज कर रही हूँ. एंड बाकी के डिटेल्स आपको यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे. सो पैराबेन फ्री प्रोडक्ट होता है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, वो बहुत ही वेस्ट पार्ट होता है. और बाकी के यहाँ पे डिटेल्स आप देख सकते हो, 75 ग्राम की इसकी पैकेजिंग आती है. सो ये जब मैं यूज कर रही हूँ तो क्योंकि आप सभी जानते होंगे मैं हर अपने स्किन केयर वीडियो में ये मेंशन करती हूँ कि मेरा जो स्किन है वो एक्सट्रीमली ऑयली है. सो मुझे कुछ भी प्रोडक्ट लेना होता है तो मैं बहुत ही सोच समझ के लेती हूँ, बट इसके लिए मुझे बिल्कुल सोचना नहीं है. बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है और बहुत ही लाइट वेट है, बिल्कुल आपको ऑयली फील नहीं होगी आपकी स्किन पे. अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, बहुत ज्यादा मुहासे आ रहे हैं, दाग धब्बे हैं, तो ये धीरे धीरे क्लियर करता है आपकी स्किन को, लाइटन एंड ब्राइटन बनाता है, आपकी स्किन को स्मूथ एंड सफल बनाएगा. साथ ही आप मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो. यहाँ पे जैसा कि लिखा गया है एपिसॉफ्ट मॉइस्चराइजर विथ सनस्क्रीन. इट्स मीन कि सॉरी गाइज, मुझे थोड़ी स्वेटिंग आ रही है. अभी मैंने अपने रूम का एसी ऑफ कर रखा है, बिकॉज एसी की जो वॉइस होती है वो वीडियो में रिकॉर्ड हो जाती है. सो एपिसॉफ्ट मॉइस्चराइजर विथ सनस्क्रीन, इट्स मीन कि आप अपने स्किन पे जब आप ये अप्लाई करते हो तो आपको बिल्कुल बिना सोचे समझे आप मॉइस्चराइजर स्किप कर सकते हो. बट मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि अगर आपकी स्किन ऑयली एंड एक्ने प्रोन है तो आप इसका एपिसॉफ्ट का एक फेस वॉश भी ट्राई कर सकते हो. मैंने ट्राई करा है और बहुत ही बढ़िया एंड कारगर साबित हुआ है मेरी स्किन के लिए, क्योंकि मेरी स्किन है जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव एक्ने प्रोन एंड ऑयली है. तो मैं बहुत ही सोच समझ कर या फिर किसी भी प्रोडक्ट को बहुत ही रिव्यू देख के ही कोई प्रोडक्ट लेती हूँ. बट ये मैं बहुत ही, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत काफ़ी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो बहुत ही लाइट वेट है और बहुत ही आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होने वाला है. आप नॉर्मल स्किन वाले और ड्राई स्किन वाले भी ट्राई कर सकते हो, बट अदरवाइज अगर बहुत ज़्यादा आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है उसके लिए भी बहुत ही सुपर डुपर ऑसम प्रोडक्ट है. तो आप मैं आपको डेफिनेटली आई विल सजेस्ट कि आप ट्राई कर सकते हो. मैं आपको हाईली 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 रेकमेंड करूंगी कि आप इसे एक बार जरूर ट्राई करें. अदरवाइज अगर आप नहीं ट्राई करना चाहते तो मैं आपको फोर्स नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना एक रिव्यू दे रही हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये कितना बढ़िया सनस्क्रीन है. क्योंकि गर्मी का टाइम आ गया है और गर्मी के टाइम में मैं आपको एक एडवाइस यही दूंगी कि अगर आप घर के बाहर नहीं भी जाते हो तो आप अपने घर में रहते हो. इट्स मीन कि ऐसा नहीं है कि आपको सनस्क्रीन स्किप कर देना है, देयर इज नथिंग लाइक दिस, बट आपको लगाना है. क्योंकि आप घर में भी होते हो इट्स मीन कि आपका जो सन का जो यूवी रेज होता है वो हमारे घर के अंदर तक आता है. आप कितनी भी अपनी रूम में अगर आप लॉक करके रखते हो, आपको लगेगा कि धूप नहीं आ रही है, फिर आपके सन का जो एक्सपोजर है वो नहीं हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता है गाइज. आप रूम में भी हो तो आपको यूवी रेज अफेक्ट करती है, इफेक्ट करती है. इट्स मीन आपको घर में भी ट्राई करनी है, आपको रोज पर डे एवरी डे आपको सनस्क्रीन वेयर करना चाहिए एक हेल्दी स्किन के लिए. और साथ ही आपको बहुत सारा पानी पीना होगा, तभी आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लो करेगी. और ये मेरा फेवरेट सनस्क्रीन है, मैं इसे रेगुलर वे में यूज कर रही हूँ, मुझे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुए हैं. इट्स और बहुत ही ज़्यादा मेरा फेवरेट हो चुका है. मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी. अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव है देन यू शुड डेफिनेटली ट्राई दिस, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट महसूस नहीं होगा. और साथ ही मैं आपको एक रेकमेंड करूंगी कि आप इसके साथ इसका जो फेस वॉश है, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है तो आप जरूर ट्राई करें, आपको बिल्कुल भी रिग्रेट महसूस नहीं होगा. सो यस, अगर आपको ट्राई करना है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगी, आप ट्राई कर सकते हो. और साथ ही मैं आपको ये बोलूंगी कि अगर आप कोई स्किन केयर फॉलो कर रहे हो तो आप टोनी मॉइस्चराइजर एंड आपका जो
सीरम का जो होता है, सीरम भी आप अप्लाई कर सकते हो, टोनिंग कर सकते हो अपनी स्किन को अच्छे से क्लीन करके, टोन करके, और एक अच्छा मॉइस्चराइजर और साथ ही सनस्क्रीन आपको डेफिनेटली एक हेल्थी स्किन के लिए ट्राई करना चाहिए। तो यस, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, देन प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड बगल में जो घंटा है उसे जरूर दबा दें ताकि मेरी वीडियो जो भी आपके मैं अपलोड करूँ वो सबसे पहले आपके पास पहुँच पाए। और साथ ही मैं आपको एक ये करूंगी कि आप अगर इसे लगाने के बाद आफ्टर बाथ यानी नहाने के बाद और नहाने के पहले भी अप्लाई कर सकते हो, सो एज यू विश जैसे आप ट्राई करना चाहें, बट ये सनस्क्रीन बहुत ही बेहतर काम करता है आपके स्किन के लिए, सो आप प्लीज डेफिनेटली ट्राई करें। मैं किसी प्रोडक्ट के लिए रिक्वेस्ट नहीं करती हूँ, बट अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन एंड सेंसिटिव है देन मैं आपको ये हाईली रिकमेंड करूंगी एंड रिक्वेस्ट करूंगी कि आपको ये एक बार जरूर ट्राई करनी चाहिए। दिस इज वेरी गुड for acne and sensitive and oily skin, so good to go guys, और मैं इसे 10 out of 10 देना चाहूंगी। और मिलते हैं एक next skin care video के साथ, तब तक के लिए take care and bye bye।